नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पहली वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल करंट, आज हम देखेंगे उसके टाइप, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है यार? इसके लिए सबसे पहले हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। वेवफॉर्म हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। अल्टरनेट होता है इसमें एक साइकिल, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ये हमारा हो जाएगा प्लस IM, इसको बोलेंगे पीक करंट और मैक्सिमम करंट। ये हो जाएगा हमारा माइनस IM, ये हमारा हो जाएगा T और ये हमारा हो जाएगा करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली होता क्या है, ये हमारा दोनों डायरेक्शनों में फ्लो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट फ्लोस इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शनों में ये फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी जो करंट की इक्वेशन होती है वो हमारी होती है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा T। हमारा जो IM होता है वो मैक्सिमम करंट होता है और इसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं, मैक्सिमम पीक करंट। प्लस IM का मतलब हमारा हो जाएगा मैक्सिमम करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैक्सिमम करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल। वही हमारा माइनस IM हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम ही होगा ये भी, मैक्सिमम करंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारा करंट जो होगा वो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, ये प्लस IM होगा हमारा मैक्सिमम करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में। हमारी जो ये साइकिल मूव करती है, ये एक साइकिल है हमारी, उसके बाद दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, फिर चौथी, ऐसे हमारी 1 सेकंड में 50 साइकिल होती है, 50 साइकिल बनती है। इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 50, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इंडिया में जो बेसिकली सप्लाई यूज होती है, सप्लाई पे जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट्ज यूज होती है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मोर एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा होता है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इट कांट बी स्टोर, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। इसके अलावा जो हमारा एसी करंट होता है, एसी करंट में हमारा जो इफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो हमारी सप्लाई होती है, इफेक्टिव वैल्यू को हम RMS वैल्यू भी बोलते हैं। इसमें अगर हम करंट की इक्वेशन देखना चाहे तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा T, यहाँ से हम IRMS निकालेंगे या I इफेक्टिव, ये हमारा निकल जाएगा IM डिवाइड बाय √2। इसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं, पीक वैल्यू, पीक करंट डिवाइड बाय √2। ये हमारा हो जाएगा RMS करंट का फार्मूला, पीक करंट डिवाइड बाय √2। साइन फंक्शन होता है हमारा, जो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेवफॉर्म होती है वो हमारा साइन फंक्शन होता है। इसमें हमारा फेज होता है और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों होते हैं। अब हम देखेंगे अपना हमारा नेक्स्ट DC करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट शॉर्ट में बोलेंगे हम इसको, DC करंट। DC करंट की वेवफॉर्म हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारा पॉजिटिव में हो गया, पॉजिटिव में इसको सीधा दिखाएंगे प्लस IDC, और ये हमारा हो गया नेगेटिव में माइनस IDC। ये हमारा होगा टाइम T, यहाँ पे होगा टाइम T माइनस IDC। डायरेक्ट करंट में हमारा क्या होता है, इट फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, या तो हमारा पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। हम डायरेक्ट करंट को इजिली स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल एंड बैटरी।
दो तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, सेल में और बैटरी में। हमारा जो डीसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, क्योंकि तो इसमें कोई भी साइकिल चेंज नहीं होती। या तो पॉजिटिव हाफ में करंट फ्लो हो रहा है या तो फिर नेगेटिव हाफ में। डीसी का सिर्फ वैल्यू वैल्यू होता है हमारे पास, इसमें कोई एंगल नहीं होता। इसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। डीसी करंट और एसी करंट में के बारे में हमने बेसिक पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस, कुछ डिफरेंस बनेंगे हमारे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।